स्टूडेंट फॉर क्लास 11। शॉर्ट स्टोरी का ये जो लेसन थर्ड ड्रॉट चल रहा है, इसका आज थर्ड पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने पढ़ा था, महेश ने अपने झोपड़ी की छत से मैला कुचैला सड़ा हुआ भूसा निकाला और महेश के सामने डाल दिया और कहा जल्दी से खा लो फादर। और जैसे ही उसने डाला, अमीना ने देख लिया फादर। उसने कहा फादर व्हाट इज इट, ये क्या, कम एंड ईट, चलो अच्छा खाना खा लो बैठ जाओ। आंसर्ड कपूर से डॉटर, कपूर की बेटी ने उत्तर दिया लुकिंग आउट ऑफ द डोर, बात नहीं करो, दरवाजे से झांकते हुए व्हाई हैव यू अगेन गिवन महेश एक्स्ट्रा फ्रॉम द रूफ, छत से फिर तुमने महेश को भूसा निकाल के डाल दिया। एक्स्ट्रा घास या भूसा, घास या फूस या भूसा, यानी उसने कहा कि तुमने महेश को फिर से छत से निकाल करके घास डाल दी, अब क्या होगा। ही हैड फियर्ड एज मच इट इज कोल्ड एक्स्ट्रा, और ये सुन करके गफूर डर गया, भयभीत हो गया। अब भयभीत क्यों हो गया, ये पुत्री से डरता थोड़ी था, लेकिन ये एक शालीनता होती है, ये शिष्टाचार होता है, तो एकदम से वो डर गया कि अरे बेटी ने देख लिया। इट इज ओल्ड एक्स्ट्रा, इट वॉज रोटिंग अवे, ही आंसर्ड असेंड, शर्माते हुए उसने उत्तर दिया अरे ये तो सड़ गया था, सड़ गया था, ये पुराना भूसा है, तुम लोग बात। आई हियर्ड यू पुलिंग इट फादर, फादर मैंने तुम्हें ऊपर से खींचते हुए देखा है, खींचते हुए सुना। नो डार्लिंग इट वॉज नॉट एग्जैक्टली, उसने कहा नहीं नहीं बिटिया ऐसी बात नहीं है, बट यू नो, लेकिन जानते हो फादर द वॉल विल क्रम्बल, अब दीवार भी गिर जाएगी, अभी तक तो छत ही नहीं थी, अब दीवार भी गिर जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट, गफूर चुपचाप था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास सिर्फ झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं बचा था। हु न्यू बेटर देन ही, और उससे ज़्यादा कौन जानता था, यानी फादर अपने घर के बारे में नहीं जानता है क्या। वो जानता था लेकिन वो मजबूरी थी कि सोच रहा था कि थोड़ा मैं उसको खाने को दे ही दिया जाए। दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल, अमीना ने कहा कि अगर हम सावधान नहीं रहते हैं, इट वुड नॉट लास्ट एंडर रेनी सीजन, तो यह अगले बरसा ऋतु तक नहीं चल पाएगी। एंड येट वाट गुड वॉज इट रियली, और वाट गुड इट वॉज रियली, वास्तव में क्या अच्छा था क्या बुरा था ये गफूर जानता था। वॉश यू हैंड एंड कम एंड ईट, अमीना ने कहा फादर चलो अच्छा हाथ धो लो और खाना खा लो। आई हैव सर्वड योर फूड, मैंने आपको भोजन परोस दिया है, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। गिव मी द राइस वाटर, लेट मी फीड हिम, अपने खाने को तो भूल गया गफूर और बोला अच्छा ठीक है वो चावल का पानी लाओ ना मैं इसको पिला दूँ। देयर इज नन फादर, अमीना ने कहा फादर चावल का पानी नहीं है, इट हैड ड्राइड अप इन द पॉट, ये तो बर्तन में ही सूख गया। नियरली अ वीक हैड पास्ट, लगभग एक सप्ताह गुजरा। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, आगे अगले सप्ताह की कहानी आ गई, क्या हुआ यहाँ बीच में रोक करके, अगले सप्ताह की कहानी क्या है। एक सप्ताह गुजर चुका है, गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर आंगन में बैठा हुआ है, सिक ऑफ बॉडी, उसका शरीर दुर्बल है, एंड एनेक्सियस, बहुत चिंतित है। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, और महेश कल से वापस नहीं लौटा है। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, और वह स्वयं असहाय था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर, अमीना बैल को सब जगह ढूंढ आई थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह से अमीना सुबह से बैल को सब जगह ढूंढ आई थी। द इवनिंग शैडोज वी आर ऑलरेडी फॉलिंग, शाम होने लगी थी। वैन सी के होम, जब वह घर वापस आई। हैव यू हियर फादर, अमीना ने कहा फादर क्या तुमने सुना। मनिक घोष है सेंट महेश टू द पुलिस वैन, शी सेड, उसने कहा कि मनिक घोष ने अपने महेश को कानिंग हाउस में
भेज दिया। ये कानिंग होता क्या होता है, जानवरों की जेल, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। नॉनसेंस, कपूर ने उसको कहा बकवास बंद कर, मुंह रखो तुम तो। यस फादर, इट इज ट्रू। उसने कहा अपनी बात पर बल देते हुए कहा, हाँ हाँ फादर ये सही है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझसे कहा, टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट डेरापुर। उसके नौकर ने मुझसे कहा कि अपने फादर से कह देना कि अपने बैल को डेरापुर में जाके देखे। ये जो कानी हॉर्स थी वो डेरापुर में थी। व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया था? फादर ने पूछा, कपूर ने पूछा क्यों भेज दिया उन्होंने जेल में, उसने क्या किया था? ही इंटर्ड देयर गार्डन फादर, अमीना ने बताया कि वह उनके बगीचे में घुस गया था। गफूर मेड नो आंसर, अब गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। एट द एंड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट। और अमीना ने आगे कहा कि वे कह रहे थे कि 3 दिन के बाद पुलिस अपने बैल को, महेश को, कसाईयों के यहाँ बेच देगी, नीलाम कर देगी। लेट देम, आंसर्ड कपूर, कपूर ने उत्तर दिया, लेट देम, कर देने दो। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन, अमीना नहीं जानती थी कैटल मार्केट का मतलब क्या होता है, कसाई मार्केट क्या होता है, अमीना नहीं जानती थी, अभी वो छोटी थी। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर, उसने अक्सर अपने फादर को ध्यान दिया था। ग्रीव रेस्टलेस व्हेनेवर इट वाज मेंशन्ड इन कंसर्निंग विद महेश, जब कभी भी महेश का जिक्र इस मार्केट से संबंधित होता था तो गफूर बेचैन हो जाता था, दुखी हो जाता था। बट टुडे ही वेंट ऑन, ही टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग एनदर वर्ड, लेकिन आज उसने कुछ नहीं कहा, आज कह दिया बेच देने दो उन्हें। अंडर द कवर ऑफ नाइट गफूर सेक्रेटली केम राउंड टू बंसी शो, रात में क्या हुआ, गफूर बंसी की दुकान पर गया सीक्रेटली, चुपचाप। अंकल यू विल हैव टू लैंड मी ए रुपी, सेड ही पुटिंग डाउन ए ब्रेस प्लेट अंडर द सीट, एक पीतल की प्लेट लिए हुए था, पीतल की प्लेट लेकर के गया दुकानदार के पास और कहा, अंकल क्या इसके बदले में तुम मुझे 1 रुपये दोगे? बंसी वाज वेल एक्वेंटेड विथ दिस ऑब्जेक्ट, बंसी उसके उद्देश्य को समझता था। इन द लास्ट 2 years पिछले 2 वर्षों से ही हैड लेंट अ रुपी एट लीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी, दो साल में कम से कम 5 बार वह इस सिक्योरिटी के आधार पर उसको रुपए दे चुका था, यानी गहन धरी के आधार पर प्लेट रख करके वह उसके बदले में 1 रुपये दिया था उसने कई बार। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टूडे आइदर, और आज भी उसने कोई विरोध नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वाज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, और अगले दिन महेश फिर से अपने स्थान पर आ गया, यानी गफूर 1 रुपये अपनी प्लेट के बदले में लेकर के और महेश को छुड़ा लाया वहाँ से, और अगले दिन फिर से वह अपनी जगह पर बंधा हुआ दिखाई दिया। एन एल्डरली मोहम्मडन वाज एग्जामिनिंग हिज हिम विथ वेरी शार्प आइज, और एक वृद्ध मुस्लिम पर्सन उसको बड़ी तेज निगाहों से चेक कर रहा है, एग्जामिनिंग। ये कसाई था और कसाई लेने आया था बैल को, तो उसकी जांच कर रहा। नॉट फार अवे, दूर से नहीं, ऑन वन साइड, एक तरफ गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, एक तरफ गफूर जमीन पर बैठा हुआ था। ऑल हटिंग हंचड अप, अपना सर नीचे किए हुए। द एग्जामिनिंग ओवर, जब जांच पूरी हुई। द ओल्ड मैन अनटाइड ए 10 रुपी नोट फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने शॉल के कोने से 10 रुपये का नोट खोला। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, और बार बार इसको सहलाते हुए सैड कहा, हियर टेक द, ये लो महेश के बदले में, यानी महेश का मूल 10 रुपये। आई सैंड टेक एनीथिंग ऑफ, मैं कुछ भी नहीं काट रहा हूँ, पूरा पैसा दे रहा हूँ उसने कहा। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं इसकी पूरी कीमत दे रहा हूँ, जरा भी चुप उधार नहीं कर रहा हूँ, पूरी कीमत चुका रहा हूँ।
स्ट्रेचिंग हिज हैंड गफूर टुक द मनी, हाथ बढ़ा करके गफूर ने रुपए ले लिए। बट रिमेंड साइलेंट, लेकिन शांत रहा। एज द टू मैन हु केम विथ द ओल्ड मैन वी आर अबाउट टू टेक द रोप, उस वृद्ध व्यक्ति के साथ दो व्यक्ति और आए हुए थे बैल को पकड़ने के लिए। जैसे ही वे उस बैल के पास रस्सी को पकड़ने के लिए पहुँचे, एनिमल्स नेक जानवर के गले में बांधने के लिए, ही सडनली स्टूड बोल्ट अपराइट, गफूर अचानक खड़ा हो गया। डोंट टच द रोप, और उसने कहा रस्सी मत छूना। एकदम से खड़ा हो गया, कहा रस्सी को मत छूना। आई टेल यू, कह देता हूँ, बी केयरफुल, सावधान, आई वार्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ही क्राइड आउट हॉर्सली, गुस्से से चिल्लाया, ना बस रस्सी मत छू लेना। 10 रुपए भी ले लिया, पैसा भी ले लिया, तब तक कुछ नहीं कहा, अचानक क्या हो गया इसको। वह आदमी बोले, दे वेयर टेकन अबैक, पीछे हट गए। भाई आस्क द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, उस वृद्ध व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई क्या हो गया। देयर इज नो वाई टू इट, ही इज माई प्रॉपर्टी, यानी उसने पूछा क्या हो गया, अभी तुमने पैसे ले लिए सब कुछ, लेकिन अब क्या हो गया। गफूर ने कहा, क्या हो गया का कोई मतलब नहीं, देयर इज नो भाई, इस भाई का कोई मतलब नहीं, ही इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरी संपत्ति है, आई सेल नॉट सेल हिम, मैं नहीं बेचूंगा, इट इज माई प्लीजर, मेरी खुशी, मैं बेचूँ या ना बेचूँ मेरी संपत्ति। He answered in the same tone, और फिर उसने उसी लहजे में उत्तर दिया, and threw the note away, और 10 रुपए जो लिए था फेंक दिया। ये लो 10 रुपए को फेंकते हुए कहा, ये लो अपने 10 रुपए, मैं नहीं बेचूंगा। But you accepted the deposit yesterday, all three said in a chorus, तीनों ने एक स्वर में कहा, एक वृद्ध व्यक्ति और वो व्यक्ति, तीनों ने कहा कल तो तुमने ले लिए थे, अब कल ले लिए थे तो कल अब कल ले लिए थे तो अब आगे कल पढ़ाऊँगा, देखूँगा क्या है कहानी, क्या आगे बढ़ती है, इसके लिए आप ध्यान दीजिए और कल पढ़िएगा, जब तक के लिए आप घर पर पढ़िए। थैंक यू।